प्रकृति होता है है? और आज हम करने वाले हैं अभी क्या मतलब एक चीज होती है व्हील जैसा होता है जिसको है ना अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल होता है अभी जैसे आप गांव में जाओगे ना तो वहां पर कैसे कुआ देखोगे ना वहां पर कैसे होता है जिसमें से बड़ी रस्सी बंधी रहती है और वो कुएं के अंदर जाता है और वहां से हम पानी खींचते हैं मतलब पुली पुली बेसिकली यूज होता है कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींचने के लिए तो इस पर हम क्या देखेंगे मतलब किस तरह से भगवान किस तरह से गॉड हमें अपनी तरफ खींचते हैं ठीक है अपनी तरफ कैसे खींचेंगे मतलब ये एक ना रिलीजियस पोएम एक धार्मिक पोएम है जिसको है ना साइंटिफिक इमेज के द्वारा प्रेजेंट किया गया है तो हम देखेंगे कि किस तरह से किया गया है ठीक है ना सो हु इज द पोएट दैट इज जॉर्ज हेबर्ट Born in 1593 and was unfortunately left this world in 1633 वाज़ अ वेल्स पोएट अभी जो वेल्स कंट्री के लोग होते हैं ना एक वेल्स नाम का एक कंट्री है वेल्स तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना उन्हें क्या बोला जाता है वेल्स जैसे इंडिया के लोगों को क्या बोला जाता है इंडियन वैसे वेल्स कंट्री के लोगों को वेल्स बोला जाता है ठीक है तो वो क्या है एक वेल्स पोएट है ही वॉज द प्रीस्ट बाय प्रोफेशन अभी जैसे आपने मंदिर में देखा होगा कैसे पुजारी होते जो भगवान की पूजा करते चर्च में ये होते क्या बोलते हैं चर्च में फादर होते तो वैसे ही वो एक प्रीस थे एक पुजारी थे बाय प्रोफेशन ही wrote religious poem with a lot of imagery and conceits। उन्होंने बहुत सारे धार्मिक पोएम लिखे with लॉट ऑफ इमे इमेजनरी एंड कॉन्सेट्स मतलब comparison ठीक है उन्होंने बहुत सारे धार्मिक पोएम्स लिखे जिसमें वो उन्होंने इमेजिनेशन यूज़ किया एंड बहुत सारा comparison यूज़ किया

worship with all his blessings somehow he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavors of matlab hard ट्राई तो यहाँ पर क्या बोला है कि माना कि भगवान हमें सारी जितनी भी ब्लेसिंग्स है जितनी भी वरदान है जितनी भी चीजें सब देते हैं ठीक है वो आज हमारे पास जो भी नेचर भगवान का दिया हुआ है जो हम लोग जी रहे खा रहे पी रहे वो भगवान का कहीं ना कहीं दिया हुआ है गॉड का कहीं ना कहीं दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या क्या बोला जा रहा है कि माना कि भगवान हमें माना कि गॉड हमें सारी दुनिया भर की हर चीज़ें दे रहे दे रहे, लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए ना हमें तरसा देते हैं ठीक है कुछ चीजें ना हमें नहीं देते ताकि ना वो चीज पाने के दौरान जो हम लोग हार्डवर्क करें, जो हम लोग एंड जो हम, हम लोग हार्डवर्क करेंगे उसी हार्डवर्क के दौरान हम गॉड को याद करें क्योंकि अगर भगवान हमें सब चीजें अगर अल्लाह गॉड भगवान हमें सब चीजें दे देंगे दे दे, तो हम लोग ना थैंकफुल नहीं रहेंगे ग्रेटफुल नहीं रहेंगे गॉड को लेकिन अगर भगवान ना हमें गॉड हमें थोड़ी सी चीजें देंगे और थोड़ी सी चीज़ के लिए रुका देंगे थोड़ी चलते तरसा देंगे तो हम लोग जब वो चीज़ पाने के लिए हार्डवर्क करेंगे तब तो हम लोग किसको याद करेंगे गॉड को याद करेंगे ठीक है तो वही यहाँ पर देखेंगे कि, कि किस तरह से गॉड हमें आ, कुछ चीज़ें रोक कर अपनी तरफ खींचते थ्रू पुले थ्रू पुली सॉरी पुली इन ऑल आर इंडावर्स ठीक है ना गॉड गिव सो मेनी प्लेस गुड्स टू दिवोटी बट एट द सेम टाइम गॉड एक्सपेक्ट समथिंगज हीट डी एक्सपेक्ट मतलब गॉड सब चीजें देते हैं हमें लेकिन ना वो बदले में कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे अब वो क्या एक्सपेक्ट करते है क्यों एक्सपेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे द पुलिस शोज हाउ गॉड लिवस मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुलिस ऑफ रेसलेसनेस अभी डिसटिस्फेक्शन आना आराम ना होना सुकून या चैन ना होना उसे क्या बोलते हैं रेस्टलेसनेस ठीक है व्हाट इज डिजिटली मेटाफिजिकल फ्रॉम द पोयम डेट रिलीजियस नोशन इज कन्वेड थ्रू अ अर साइंटिफिक इमेज हाँ तो इस द पुली ये जो पोएम है ना ये हमें दिखाएगा कि किस तरह से जो गॉड है वो हमें उनकी तरफ लिफ्ट करते हैं ठीक है थ्रू रेस्टलेसनेस थ्रू डिससेटिस्फैक्शन आराम नहीं होना अभी देखो कोई एक पर्सन है जिसके पास है, बहुत सारी गाड़ी है बंगलोज से लेकिन फिर भी है ना वो किसी और चीज़ की इच्छा रखता है अभी मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं नहीं मेरे पास वो नहीं मुझे वो चाहिए तो हम बोलते हैं ना भगवान को भगवान प्लीज़ वो दिला दो जो उसके पास है तो वो क्या हो गया एक रेसलेसेंस मतलब मेरे पास सब है लेकिन मेरे पास सेटिसफेक्शन नहीं है मेरे पास सुकून नहीं है मेरे पास चैन नहीं चैन नहीं है ठीक है तो उसी तरह से वही वो बता रहे हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया गॉड ने हमें सब कुछ दिया लेकिन साथ में एक रेस्टलेसनेस भी दिया सुकून नहीं दिया ठीक है चैन नहीं दिया आराम नहीं दिया और उसी आ, उसी आ, जो हार्डवर्क के दौरान हम भगवान को याद करते तो वो एक तरह से भगवान के लिए पुली हो गया वॉट रेस्टलेसनेस इज द पुली फॉर हिम No. What is जो नेचर और साइंस में रिलेशनशिप बताता है ठीक है तो वही हम देखते हैं कि इस, इस में किस जो रिलीजियस धार्मिक चीज है ना उसको किस तरह से साइंटिफिक इमेज में कन्वे किया गया ठीक है चलो आप स्टैंडा पे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया रहेगा कि क्या है पोएम है सुना अब यहाँ पर हम देखिए कि जब गॉड इंसान को बनाते थे तो उन्होंने क्या 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 सोचा किस तरह से सोचा ठीक है वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय लेट us ऑन हिम ऑल वी कैन लेट द the रीचेज विच डिस्पोज लाई कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन ठीक है वेन गॉड एट पर्स्ट मेड मैन हैविंग ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय तो जब पहली बार गॉड ने इंसान को बनाया तो उन्होंने ना अपने साइड में ना अपने बिसाइड एक छोटा सा ग्लास ऑफ ब्लेसिंग रखा था ब्लेसिंग मीन्स वरदान ठीक है वरदान कंफर्ट अच्छी चीजें जो भगवान देना चाहते थे हमें और वो सब ब्लेसिंग है आशीर्वाद ठीक है तो जब वो इंसान को मनाते थे उन्होंने तो ना अपने बाजू में ना एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग रखा था और फिर उन्होंने क्या बोला लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन वो बोलते हैं कि चलो मैं इस इंसान पर ये जो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग है जैसे देखा ना ग्लास ऑफ वाटर होता है जिसमें पानी होता है ग्लास तो पता ही है तो वैसे ही उस ग्लास में क्या ना ब्लेसिंग था तो वो क्या बोलते हैं कि चलो मैं ये जो ग्लास और ब्लेसिंग है ये सब उस इंसान पर डाल देता हूँ देता हूँ ठीक है लेट द वर्ल्ड अभी ये होता है wealth bounties, मतलब जो दुनिया भर के कम्फर्ट्स uh, है अच्छी चीजें है जो फायदेमंद चीजें जो वेल्थ है वो सब ना कैसी फैली हुई है विच डिस्पोर्स लाइक वो ना यहाँ वहाँ फैली, फैली हुई है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टुगेदर उन्हें एक साथ करके अ स्पैन स्पैन इन स्मॉल स्पेस उनसे उस वो सब अभी देखो कैसे बोल सकते हो सेंटेंस का कि जो दुनिया भर में जितने भी कंफर्ट वाली फ़ायदे वाली जो अच्छी चीज़ें जो वेल्थ है इसको ना है जो जोहरात जो भी है ये सब चीज़ें ना यहाँ वहाँ दुनिया में हर जगह पे फैली हुई है डिस्पोज्ड है ठीक है अब उन सबको ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते वो सब टुगेदर करके ना उसको ना छोटी से स्पेस में ना इंसान को देना चाहते छोटी सी जगह में ना इंसान को देना चाहते हैं ठीक है तो इस टाइम का क्लियर हो गया कि वो वो जब तो इस टैंस का क्या मैं शॉर्ट वर्ड्स में बोलते जैसे जब भगवान इंसान को मनाते थे तो उन्होंने एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग रखा था और वो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग का क्या वो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग वो इंसान पे डाल रहे थे और उस ग्लास ऑफ ब्लेसिंग में ना जो दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़े, कंफर्ट है कंफर्ट और मैंने क्या बोला था फ़ायदे है वेल्थ है ये सब चीज़ें ना एक साथ इकट्ठा करके जो यहाँ वह फैली एक साथ इकट्ठा करके छोटी सी जगह में इंसान को देना चाहते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टैंडा सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे देन ब्यूटी फ्लोट देन विजडम ऑन अ प्लेजर व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड मेड अ टेस स्टे परसिविंग डैट अलोन ऑफ ऑल हिस्स ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले ठीक है तो जब ना भगवान जब गॉड जब अल्लाह गॉड भगवान वो जो ब्लेसिंग का ग्लास ना वो ऐसे रहे थे ना तो सबसे पहला क्या आया उसमें से स्ट्रेंथ आया स्ट्रेंथ इज पावर ताकत आई फिर उसके क्या क्या है देन ब्यूटी फ्लोड तो उसके बाद क्या ब्यूटी सुंदरता आई उसमें से देन विजडम विजडम मीन्स वाइज सोचने समझने की जो ताकत होती है सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं विजडम जिस इंसान समझ सके उसे विजडम होते हैं ठीक है देन ऑनर ऑनर इज रिस्पेक्ट देन प्लेजर जॉय ठीक है तो जब वो ग्लास ऑफ ग्लास ऑफ बिस्टिंग डांस ऑफ सबसे पहले स्ट्रेंथ आया फिर उसके बाद ब्यूटी आई फिर उसके बाद विजडम आया फिर ऑनर आया एंड देन प्लेजर आया ठीक है व्हेन ऑलमोस्ट ऑलवेज आउट गॉड मेड अ स्टे तो जब ना ऑलमोस्ट सब खत्म होने आया जब वो गैस ऐसे पोर कर रहे थे इंसान पे तो जब पूरा खत्म होने आया था ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था ऑलमोस्ट ना पूरा नहीं खत्म हो ना बस खत्म होने के कगार पे आ जाना ठीक है तो वो थोड़ी देर के रुक गए ही मेड अ वो थोड़ी देर के लिए रुक गए परसीविंग परसीविंग मींस नोटिसिंग बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ परसिविंग बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ ठीक है नोटिसिंग उन्होंने नोटिस किया डेट अलोन ऑफ ऑल स्ट्रेचर रेस्ट इज द इन इन द बॉटम ली तो वो क्या नोटिस करते हैं कि कि ना उनके ना जितने भी ट्रेजर थे ना उस ग्लास में उसमें से ना सबसे नीचे ना एक चीज़ थी दैट इज रेस्ट रेस्ट इज आराम सेटिस्फैक्शन सुकून चैन ठीक है तो वो, तो वो क्या नोटिस करते हैं कि इसका इसका क्या सेंट, इसका क्या मीनिंग हो गया सेकंड का ना जब वो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग उड़े रहे थे मतलब उन डाल रहे थे तो फर्स्ट थिंग आई स्ट्रेंथ उसके बाद आया ब्यूटी देन देन विजडम एंड देन प्लेजर और जब वो ऑलमोस्ट पूरा ग्लास खत्म होने तब उन्होंने नोटिस किया कि ना उनके ग्लास को ना सबसे नीचे सबसे आखिर में ना क्या बच गया था रेस्ट 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 को क्या बोलेंगे यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया सुकून चेन, आराम ठीक है अब थर्ड थार्थ पे आते से ही वुड एडो माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर सो बोट शुड लूज बी सो फॉर इफ आई शुड तो बोलते कि क्या मैं बिस्टो बिस्टो मतलब देखो इधर मीनिंग भी होगा यस गिव एज अ गिफ्ट टू ज्वेल ज्वेल यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग ठीक है अब वो क्या बोल रहे हैं? कि ना, uh, if I, for if I should, हां. तो वो क्या वो सोच है कि क्या मुझे ये जो आखिरी जो चीज है आखिरी जो मेरा ट्रेजर आखिरी जो मेरा चीज उनकी जो आखिरी चीज क्या बच गई है रेस्ट ठीक है और रेस्ट वो क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट ना उन कीमती है बहुत ठीक है तो क्या मुझे ये जो आखिरी चीज़ है आखिरी जो ये कीमती चीज़ है मेरे ख़जाने की क्या मुझे वो भी इस क्रिएचर को दे देनी चाहिए बिस्टो मतलब उसको एज ए गिफ्ट दे, दे देनी चाहिए ठीक है तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये करता हूँ ठीक है वो पहले सोच रहे है कि क्या मुझे ये जो आखिरी चीज़ है मेरे ग्लास ऑफ ब्लेसिंग में आखिरी चीज़ कौन सी थी ब्लेसिंग वो बहुत कीमती एज अ ज्वेल मतलब कीमती किसके तरह ज्वेल के तरह बोल रही कि क्या मैं अब उसको भी बिस्टो कर बिस्टा और मतलब गिफ्ट गिफ्ट कर दूँ इंसान को तो वो वो फिर अगर वो वो भी कर देते हैं तो फिर वो क्या सोचे कि ही एडोर माई गिफ्ट बट नॉट मी अगर वो ऐसा करेंगे तो जो इंसान है अगर उनके पास सब कुछ आ जाएगा तो क्या वो किसी चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे नहीं वो सिर्फ प्यार करेंगे एडोर दे विल ओनली एडोर भगवान की गॉड की गिफ्ट दे नॉट एडोर गॉड ठीक है एड्रेस्ट इन नेचर एंड नॉट द गॉड ऑफ नेचर सो वो शुड लूज भी तो बोलते हैं कि ना अगर मैं सब कुछ उन्हें दे दूंगा तो वो मे मेरे गिफ्ट को ज़्यादा प्यार करेंगे एज़ कम्पेयर टू मी वो है ना जो कुदरत की सारी चीज़ें ना उससे प्यार करेंगे लेकिन कुदरत बनाने वाले से प्यार नहीं करेंगे एंड कुदरत बनाने वाला कौन है गॉड है तो इसमें ना दोनों का घाटा हुआ मतलब यहाँ पर किसी की भी विजेता नहीं हुई कोई भी जीता नहीं यहाँ पर दोनों ही लूजर्स हुए क्योंकि भगवान ने गॉड ने उनके लिए उन्हें बनाया उनके लिए ये सब अच्छे से ब्लेसिंग्स सॉरी ब्लेसिंग्स दी लेकिन अगर वो ये सब करने के बाद भी गॉड को नहीं पूजेंगे उनकी उनको याद नहीं करेंगे तो वो गॉड के लिए तो कहीं ना कहीं हार हुई क्योंकि जिन्हें उन्होंने बनाया वो लोग उन्हें पूजेंगे ही नहीं वो उन्हें याद ही नहीं करेंगे ठीक है तो इस स्ट्रेंसा, स्ट्रेंसा का मतलब यही है यह, लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप दैम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेस अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे गॉड वो क्या बोलते हैं ठीक है एक काम करता हूं उन्हें सब बाकी सब रखने देता हूँ जो भी उन्होंने अभी तक दिया स्ट्रेंथ दिया ब्यूटी दिया जो भी जो भी तक उन्होंने ट्रेजर दिया वो सब रखने देता हूँ लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक uh, rep रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस भी दूंगा मतलब सब चीज रहेगी उनके पास लेकिन उनके पास साथ ही साथ क्या रहेगा रिपाइनिंग रेस्टलेस एंड देन उसका मीनिंग क्या है कंटिन्यूस एंजाइटी ड्यू टू

उसे सब चीजें रखने दो लेकिन उसको साथ में क्या होना पड़ेगा ही शुड ऑल्सो बी रिपाइनिंग रेस्टलेस ठीक है रेस्टलेसनेस देन लेट हिम बी रिच एंड वेरी डेट एट लास्ट इफ गॉड लेट हिम नॉट येट वेयरनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट तो बोल देखिए ठीक है उसे रीच होने लेट हिम बी रिच हाँ उसे रिच होने लेकिन वेरी वेरी मीन्स वेरी टायर्ड अभी कोई इंसान रिच होगा तो वो हर चीज़ के लिए हार्डवर्क करेगा ठीक है हर चीज़ के लिए हार्डवर्क होगा तो वो थक जाएगा राइट वियरी टायर्ड वेरी टायर्ड तो वही वो बोल रहे हैं कि उसे रिच होने दो उसे बहुत पैसे वाला होना चाहिए उसे बहुत वेल्थी इंसान होने दो लेकिन साथ ही साथ ना उसको ना एक वो उसे थकान भी होगी और जब उसे थकान होगी ना तो वो मेरे पास आएगा क्योंकि ना भले ही वो कह रहे कि भले ही मेरी अच्छाई से वो इंसान मेरी अच्छाई से इंसान मेरे पास ना है लेकिन जब वो थक जाएगा जब वो सैड हो जाएगा तब तो वो मेरे पास जरूर आएगा ना और वही थकान उसे मेरी छाती पर सीने ब्रेस्ट मीन्स मेरे सीने पर आ गिराएगी टॉस ब्रिंग ब्रिंग थ्रो और क्लोज तो मतलब वही जो उसकी थकान है वो उसे मेरी छाती पर आ फेंकेगी ठीक है समझो यहाँ पर मीनिंग कि मतलब अगर जैसे हम लोग ने देखा हम लोग ऐसा ऑब्जर्व ही करते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम लोग से याद करते हैं भगवान को हम लोग गॉड को याद करते हैं कि गॉड कल मेरे लिए अच्छा दिन करना गॉड मेरे लिए वो करना गॉड मेरे लिए ये करना तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से गॉड कह रहे हैं कि तो मतलब इसी तरह से गॉड ना रेस्टलेसनेस के थ्रू रेस्टलेसनेस मतलब सुकून नहीं दिया उन्होंने चैन नहीं दिया उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन दिया ठीक है और आराम नहीं दिया है ना तो इसी के थ्रू ना यही सब चीज़ों के थ्रू ना वो हमें अपनी तरफ खींच रहे पुली कर रहे हैं ठीक है तो यही हमने देखा पोया किस तरह से गॉड हमें सब कुछ देकर भी कुछ चीजों के लिए तरसा देती ताकि हम उन्हें याद करें हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना होगा कि भले ही आ, अगर हमारे पास क्योंकि हम लोग तो कभी कभी रोते ना मैं भी तो कभी अपने तो पैस का सोती हूँ कि मेरे पास ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं तो, तो भगवान को हम पोसते कि क्यों नहीं है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ना अगर हमारे पास सब कुछ होगा ना तो हम गॉड की वैल्यू नहीं करेंगे हम उन्हें भूल जाएंगे इसलिए उन्हें याद करने के लिए हमें उन्हें उन्हें याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी गई है ठीक है सो दिस वॉज द दिस वॉज ऑल दिस पोएम आई होप आपको समझा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो अभी उन्हें भी तो समझना चाहिए ना इतना ब्यूटीफुल चैप सॉरी पोएम है ये इतना ब्यूटीफुल पोएम है तो सो बाय एवरी वन हैव नाइस डे